दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को, जिसका नाम है रेगुलर क्लासेस फॉर अकाउंट। सामने दिख रही है आपको मैनेजमेंट अकाउंट की बुक केजी पब्लिकेशन से, और चैप्टर चल रहा है, इसमें चैप्टर नंबर 5 लिखा हुआ है और फंड फ्लो स्टेटमेंट है। ठीक है, फंड फ्लो स्टेटमेंट इसका क्वेश्चन नंबर चलेगा सेकंड, वो भी शॉर्ट का चल रहा है इसमें, शॉर्ट का सेकंड क्वेश्चन। तो आप इसे देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो शिवानी पढ़ के सुनाओ। ठीक है, तो हमारे पास स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस दे रखा है, जिसके अंदर ग्रॉस प्रॉफिट लिखा है, गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट लिखा हुआ है, फिर टोटल रेवेन्यू आ गया, इसमें खर्चे कई सारे दे रखे हैं, उन खर्चे को माइनस करें नेट प्रॉफिट आ गया। ठीक है, तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के लिए जो हमारे पास फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट 5.8 पे लिखा होगा कहीं, है ना। हाँ, वर्किंग कैपिटल वाला वही की है। अभी यहाँ पे आ रहे हम, देखो बेटा, एक फॉर्मेट आप यहाँ देख रहे हो, जिसका नाम है, यहाँ पे नाम दे रखा है इस पेज पे 5.8 पे, एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इसका अकाउंटिंग फॉर्म में दे रखा है। इसमें लाइट आ रही है, ठीक है, तो ये फॉर्मेट ये है, और एक स्टेटमेंट फॉर्म दे रखा है इसका। हमें कौन सा करना है? अब तुम्हारे लिए मैं यही बताना चाहूंगा कि हमें पता कैसे लगे कौन सा फॉर्मेट कब लगाना होता है। तो अपने उस पर चलो, फॉर्मेट पे जहाँ पे अकाउंटिंग फॉर्म देखा है वहाँ पे स्टार्टिंग होती है बाय ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, और एंड होता है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन, है ना। तो अगर हमें ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दे रखे होंगे, जैसे अभी इस क्वेश्चन में कहीं ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा क्या इस क्वेश्चन के अंदर? इस वाले क्वेश्चन में जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, कहीं भी ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा, तो ऐसे क्वेश्चन में स्टेटमेंट फॉर्म लगाते हैं। हाँ जी, स्टेटमेंट, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, वर्टिकल फॉर्म में जो रखा है स्टेटमेंट फॉर्म, इसको ही लगाना है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, इससे एक एक चीज मैच कर लेना कि हम आइटम कौन से ऐड करते हैं। नॉन फंड आइटम ऐड करते हैं जो कि ऑलरेडी डेबिट हो चुके हैं, ठीक है, और लेस करते हैं नॉन फंड आइटम जो कि क्रेडिट हो चुके हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। और ये जो लॉस दिख रहा है ना आपको, लॉस ऑन सेल ऑफ करंट एसेट्स, जब मैंने उंगली रख रखी है, यहाँ प्रॉफिट आएगा क्योंकि लॉस ऐड करते हैं, प्रॉफिट माइनस करते हैं। गलती से मैं प्रिंट हो गया इंग्लिश वाली बुक में, ठीक है। तो क्वेश्चन कराते हैं, क्या कह दिया था अभी ने? नहीं, वीडियो में इतनी आवाज नहीं आएगी, है ना, आएगी यार, क्या दिक्कत है, एक सेकंड रुको। तो कराते हैं क्वेश्चन को, कौन सा, फर्स्ट वाला? अरे ये सब मिलके एक बड़ा क्वेश्चन बनता है बेटा, ये तो रिपीट हो गई होगा। अब देखो बेटा, लॉन्ग वाले करके स्टेटमेंट फॉर्म के अंदर आपको ध्यान रखना है, नॉन कैश आइटम को ही ऐड करना है, नॉन कैश आइटम को लेस करना है, ठीक है। जो नुकसान वाले आइटम है वो ऐड करने हैं, जो प्रॉफिट वाले आइटम है वो लेस करने हैं। तो स्टेटमेंट फॉर्म में निकालते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट क्या लिखा था, फ्रॉम द करंट ईयर लिखा है, फ्रॉम द करंट ईयर, बाहर की साइड लिखा करंट ईयर, जो हमें प्रॉफिट देखा, नेट प्रॉफिट हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ था नीचे 104,000, है ना, दिख रहा है ना क्वेश्चन नंबर, मिल गया। इसमें ऐड करना है नॉन फंड आइटम, यानी नॉन कैश आइटम, है ना, जो कि ऑलरेडी हमारे क्या हो रखे हैं, प्रॉफिट लॉस में डेबिट हो रखे हैं। वो लाइन में पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ऐड करूंगा नॉन फंड आइटम, ध्यान रखना, ठीक है। अब हमारे ऐसे खर्चे जो नॉन कैश वाले हैं, मतलब कैसे, अब जैसे एक्सपेंसेस में लिखा है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये तो कैश, ये तो कैश वाला आइटम है, ये नहीं आएगा, और डेप्रिसिएशन लिखा है तो वो आएगा, तो डेप्रिसिएशन कितना है
20,000 है ना, फिर क्या दे रखा है इसमें, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस कितना है 10,000 और फिर लिखा हुआ है डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर। बेटा डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर तो कैश वाला आइटम हो गया, लेकिन डिस्काउंट ऑन इशू शेयर वो नहीं है। जाना जल्दी जल्दी जा, एक मिनट कर लियो, जल्दी आ जाओ जल्दी जल्दी। हाँ बेटा डिस्काउंट ऑन अलाउड टू कस्टमर वो तो नहीं आएगा, लेकिन डिस्काउंट ऑन इशू शेयर आएगा। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर 1,000 रुपये है ना। फिर आता है इसमें गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ ठीक है, कितना है 24,000 बेटा प्लस करना अतल, कैलकुलेटर के साथ पीछे लगे ना, ये कर देगा ना, अभी कैलकुलेटर पीछे जल्दी जोड़ो, 80 20 1,00,000 80,000 और 20 10 1,10,000 1,10,000 135,000 कितना है 135,000 जोड़ दो, कितना बैठा है टोटल 1,04,000 और 1,02,39 है ना। फिर इसमें लेस होते हैं नॉन वही नॉन फंड आइटम है ना, जो कि क्रेडिट हो चुके हैं। लाइन पूरी बहुत पड़ी है तो हम थोड़ा सा यूज़ कर रहे हैं नॉन फंड आइटम। अब इसमें क्या है, गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट लिखा ना, सिर्फ वही आएगा। गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट कितने रुपये का है, 40 माइनस कर दो और आपका आएगा 199 हाँ ये आ गया फंड। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं आएगा ना, फ्रॉम ऑपरेशन वो कैश वाला आइटम होता है ना, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो भी मैनेजमेंट वाले खर्चे होते हैं वो सब कैश पे जाते हैं। फंड फ्रॉम ऑपरेशन आ गया हमारा, वो साफ नहीं आ रहा ठीक है, फंड फ्रॉम ऑपरेशंस। कौन सा नॉन फंड आइटम थोड़ी है वो, देखो जो हमें नाम दे रखा है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये कहीं से भी हमारा नॉन फंड वाला नहीं है, इसमें कैश इन्वॉल्व होता है। जैसे डिस्काउंट ऑन अलाउड टू कस्टमर लिखा था ना, उसमें भी कैश इन्वॉल्व होता है कि हमारे पैसे कम हो जाते हैं, देने होते हैं ज़्यादा देते हैं कोई कम है हमें सॉरी। तो इसे मैं जूम कर लेता हूँ, भैया तो फिर इसे नीचे क्यों डाला ऊपर क्यों डाला, कौन सा वाला आइटम को जो लेस करें, गेन वाला नहीं। देखो फॉर्मेट में दो चीज़ हैं, एक ऐड करने के लिए एक लेस करने, 5.8 पे देखो ऐड लेस किस भी आप करेंगे, ऐड करेंगे वो आइटम जो हमारे नुकसान वाले आइटम दिख रहे हैं अच्छा। जिनको प्रॉफिट लॉस में कभी ना कभी डेबिट किया जा चुका है, और लेस करेंगे वो आइटम जो प्रॉफिट लॉस में क्रेडिट कर जा चुके हैं, लिखा ना क्रेडिट आइटम। तो जब प्लांट को सेल करते हैं प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट लॉस से क्रेडिट में आता है प्रॉफिट, तो उसे हम लेस कर देंगे। हाँ प्रॉफिट जो क्रेडिट किए गए उन्हें लेस कर दो अच्छा। और जो लॉस जो हमने कभी डेबिट किए होंगे उन्हें ऐड कर दो, तो हमारा फंड फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा। ये भी तो बहुत आसान है, ये भी आसान है, इसी से एमसीक्यू लिख लेंगे कई सारे, इसलिए मैं शॉर्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ तुम्हें, इससे तुम्हारी हेल्प हो जाए। फिर और इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन ज्यादा नहीं कराएंगे हम, हाँ तो चलो बच्चों सबको आता है। अरे वीडियो में एंड करता हूँ, बाय बाय, इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, और अर्पित भाई सबको शेयर कर दियो है, फ्री बजे ले रहे हो ठीक है। अर्पित और प्रसाद ढंग से सीखना अच्छे से, जूम पे नहीं ना।